अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल डैमेज। क्रिमिनल डैमेज का मतलब जो है वो एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेपरेट ऑफेंसेस, ठीक है। और ये एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज को कवर करता है, फ्रॉम माइनर वैंडलिज्म टू आर्सन, ठीक हो गया। आर्सन का मतलब आग लगा देना, किसी प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। जितने भी ऑफेंसेस हैं इसके अंदर, अब हम थेफ्ट एक्ट से बाहर आ रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जिसमें थेफ्ट एक्ट की बात नहीं हो रही, इसमें क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 की बात हो रही है। और जैसे मैंने बताया कि ये थ्री डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, बेसिक क्रिमिनल डैमेज, एग्रेवेटेड क्रिमिनल डैमेज और आर्सन, ठीक हो गया। अब इसका जो बेसिक ऑफेंस है क्रिमिनल डैमेज का, वो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 इसको डील करता है। और वो कहता है, मैं कोट कर रहा हूँ, आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कि अ पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज एनी सच प्रॉपर्टी और बीइंग रेकलेस एज टू वेदर एनी सच प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक हो गया। वो हमेशा की तरह, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक्टस रियस पे आना है। इसके एक्टस रियस में एक्चुअली 4 पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रॉय और डैमेज, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम डिस्ट्रॉय और डैमेज पे आ जाते हैं कि डिस्ट्रक्शन या डैमेज किसी भी तरह की वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। और हर केस टू केस वो वेरी करेगी, इसीलिए डैमेज जो है इटसेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड बाय दिस एक्ट। एक्ट ने नहीं डिफाइन किया कि डैमेज क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली डैमेज हर केस की डिफरेंट होगी और हर तरीके डिफरेंट तरीकों से की जाएगी। अब मैटर ऑफ फैक्ट है ये, और डिग्री है फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, ठीक हो गया। कोर्ट अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेगी, ठीक हो गया, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये डैमेज किस लेवल की है। अच्छा, इसमें इंक्लूड क्या क्या है, डैमेज किस किस तरह की हो सकती है। एक टेम्प्रेरी फिजिकल डैमेज, परमानेंट फिजिकल डैमेज, टेम्प्रेरी इम्पेयरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ और यूजफुलनेस, और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ वैल्यू और यूजफुलनेस। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं हम, हाँ एक केस में आपको इसमें बता दूँ, हार्डमैन वर्सेज चीफ कॉन्स्टेबल ऑफ एवन एंड सॉमरसेट 1986 का केस है। इसके अंदर स्प्रे पेंट कर दिया था एक कैंपेन के दौरान, और स्प्रे पेंट वो वाटर सॉल्युबल स्प्रे पेंट था, और वो बारिश से खुद ही ख़त्म भी हो गया, इतनी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी उसको ख़त्म करने के लिए, उसको उतारने के लिए। येट कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल डैमेज लिया था, देवर कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल डैमेज। और एक और केस है मोफ्टीज वर्सेस सालमन 1990 का, उसमें डिसाइड ये हुआ था कि एक हल्का सा स्क्रैच अगर किसी स्कैफोल्ड को लग जाता है, किसी पोल को लग जाता है, तो वो क्रिमिनल डैमेज में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत एक माइनर सी चीज़ है। हाँ, फाइक का एक केस है 2005 का, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर आप डंप कर देते हैं किसी के लैंड के ऊपर रबिश, तो वो भी क्रिमिनल डैमेज में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको उठाने के लिए अगर तो एक्सपेंस लगा है ओनर का, तो वो क्रिमिनल डैमेज में आता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और बात मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर मिसयूज एक्ट 1990 के तहत क्रिमिनल डैमेज कंप्यूटर के साथ भी हो सकती है, वो फिजिकल डैमेज भी हो सकती है, जहाँ पे मशीन को आपने डिस्ट्रक्शन की, और इवन वो दूसरी डैमेज भी हो सकती है कि अगर आप वायरस भेज के, कोई बग भेज के उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो रिमूविंग पार्ट्स फ्रॉम द कार भी उसी में आता है, किलिंग एन एनिमल भी क्रिमिनल डैमेज में आता है, और किलिंग प्लांट्स और क्रॉप्स भी क्रिमिनल डैमेज में आता है। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिमिनल डैमेज के लिए हमें प्रॉपर्टी की डिफाइन करने की ज़रूरत है कि क्या क्या ऐसा क्या क्या हो सकता है जिसको तोड़ने पे या जिसको डैमेज करने पे हम पे क्रिमिनल डैमेज लग सकता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 को देखते हैं, ठीक है। उसमें एज इट इज़ मैं आपको बताऊंगा सेक्शंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ टेंजिबल नेचर वेदर सबसेक्शन ए कहता है, इंक्लूडिंग वाइल्ड क्रीचर्स, ठीक है, विच हैव बीन टेम्ड और आर ऑर्डिनरीली कैप्ट इन कैप्टिविटी एंड एनी अदर वाइल्ड क्रीचर्स ऑफ देयर और देयर कार्कसेस, इफ बट ओनली इफ दे हैव बीन रिड्यूस्ड इनटू पोजेशन विच हैज नॉट बीन लॉस्ट और अबैंडन्ड और आर इन द कोर्स ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड इनटू पोजेशन, बट नॉट इंक्लूडिंग मशरूम्स ग्रोइंग वाइल्ड और एनी लैंड और फ्लावर्स फ्रूट और फोलिएज ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग वाइल्ड और एनी लैंड, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको सादा अल्फाज में अगर एक्सप्लेन कर दूँ, मैंगो मैन के लफ्ज़ों में, आम आदमी के लफ्ज़ों में, इसका ये मतलब है
कि कोई भी जानवर जो कैप्टिविटी में रखा हुआ है या किसी का पेट है वो जिसमें वाइल्ड क्रीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इवन उनकी डेड बॉडीज भी, उनके कार्कसिस भी, उनको भी अगर आप हार्म करते हैं तो क्रिमिनल डैमेज, अगर वो किसी के पोजेशन में है, मतलब अगर वो मैंने किसी ने किसी मकसद के लिए वो रखे हुए हैं तो अगर आप उनको तोड़ देते हो तो क्रिमिनल डैमेज में आते हैं, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ गुम गई हुई है, अबैंडनड है, लॉस्ट है, तो उनको डैमेज करना क्रिमिनल डैमेज में नहीं आता। इसी तरह अगर मेरे अपने कोई बागात हैं, मेरे अपने को फील्ड्स हैं जिसमें मैंने कुछ उगाया हुआ है और उस उगाई हुई चीज़ पे को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं या जो मेरी ओनरशिप में है, जो मेरी पोजेशन में है, तो वो क्रिमिनल डैमेज है। लेकिन अगर कोई वाइल्ड मशरूम्स कहीं उगी हुई हैं जो किसी की ओनरशिप में नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्रिमिनल डैमेज नहीं लगती। और ये जो सेक्शन 4 थेफ्ट एक्ट का था 1968 का, जिसमें प्रॉपर्टी डिफाइन हुई थी, उससे ये डिफरेंट है। क्रिमिनल डैमेज की जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो थेफ्ट से डिफरेंट है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी में ऑफेंस जो है ये वाला क्रिमिनल डैमेज का, ये रिक्वायर करता है कि जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो टेंजिबल होनी चाहिए, ठीक है, और वो डैमेज होनी चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि डैमेज टेंजिबल है कि नहीं है, लेकिन वो डैमेज होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड करती है, वो लैंड इंक्लूड करती है, नॉट वाइल्ड प्लांट्स बट लैंड, जो किसी की लैंड है, ठीक है। लैंड कैन बी डैमेज्ड बाय डंपिंग वेस्ट ऑन इट, ठीक हो गया। और प्रॉपर्टी जो है वो इनटेंजिबल चीज़ों को इस क्रिमिनल डैमेज के ज़िम्मे में जो हम आए, तो इनटेंजिबल चीज़ों को वो प्रॉपर्टी में नहीं आती वो चीज़ें, ठीक हो गया। थेफ्ट, जहाँ तक थेफ्ट का जिक्र है, तो थेफ्ट में इनटेंजिबल चीज़ें भी थीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और जो पॉइंट अगला था हमारा एक्टर सीरीज का, वो था बिलोंगिंग टू अनदर। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ है जो आप डैमेज कर रहे हैं, इट शुड बिलोंग टू अनदर, ठीक हो गया। और बिल्कुल सेम इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 5 थेफ्ट एक्ट 1968 वाली है, ठीक है। और ये सेक्शन 10 ऑफ क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 के अंदर है कि जो चीज़ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो किसी और की पोजेशन और किसी और के कंट्रोल में होनी ज़रूरी है। वो चीज़ अगर आपकी अपनी है तो उसको आप जो मर्जी करें, लॉ आपको कुछ नहीं कहता। अपनी चीज़ों को आप तोड़ें, फोड़ें, फेंकें, जो मर्जी करें। जिस तरह अपनी चीज़ को कोई चोरी नहीं कर सकता, इस तरह अपनी चीज़ के ऊपर कोई क्रिमिनल डैमेज का ऑफेंस भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता था एक्टर सीरीज का, वो था विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, कि अगर आपने विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ कोई चीज़ में डैमेज किया तो क्रिमिनल डैमेज आप पे लगता है, ठीक हो गया। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई लॉफुल एक्सक्यूज़ क्या हो सकता है किसी चीज़ के तोड़ने का, तो सेक्शन 5 जो है क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 का, उसका सब सेक्शन ए ये कहता है कि इफ़ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और एक्ट्स अलेज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ही बिलीव दैट द पर्सन और पर्संस हुम ही बिलीव टू बी एंटाइटल्ड टू कंसेंट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन हैड सो कंसेंटेड और वुड हैव सो कंसेंटेड इफ इट ई और दे हैड नोन ऑफ द डिस्ट्रक्शन और इफ एट एनी टाइम द एक्ट और एक्ट्स अलेज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ही बिलीव्ड दैट द प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट वॉज इन इमीडिएट नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड दैट मीन्स द प्रोटेक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज टू बी अडॉप्टेड वर और वुड बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड ऑल द सर्कमस्टांसिस। आम अल्फाज में अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि अगर आप ये प्रूफ कर दो कि एट द टाइम ऑफ योर एक्शन, अगर आप ये प्रूफ कर दें कोर्ट में कि ये आप एक कॉन्सेंट, इम्प्लाइड कॉन्सेंट थी आपके पास, या कॉन्सेंट थी आपके पास उन चीज़ों को क्रिमिनल डैमेज, चीज़ों को डैमेज करने की या तोड़ने की, और या आप ये प्रूफ कर दें कि अगर उस ओनर को पता लगता कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो मुझे, वो उस पर गुस्सा ना होता या उस मुझे मना ना करता, मुझे रोकता ना, उसकी कॉन्सेंट मेरे पास थी, तो क्रिमिनल डैमेज नहीं लगता। या अगर आपको लगे कि ये किसी के राइट और किसी के इंटरेस्ट की बात थी, कि इमीडिएट नीड ऑफ प्रोटेक्शन थी जिसकी वजह से वो क्रिमिनल डैमेज, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी डैमेज कर दी गई, तो आप पे क्रिमिनल डैमेज नहीं लगता, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है वो ऑनेस्टी का एलिमेंट आ जाता है, और ऑनेस्टी जो है वो सब्जेक्टिव बात है, ऑनेस्टी प्रूव करनी ज़रूरी है इसके लिए, ठीक हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी अपने नेबर को बचाने के लिए, उनको अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उनको बचाने के लिए अगर आप उनका दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और उसके अंदर जा रहे हैं दरवाज़ा तोड़ के, तो वो क्रिमिनल डैमेज में आएगा या नहीं आएगा, दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ सब्जेक्ट जो डिसाइड किया जाएगा कोर्ट में कि नेसेसिटी थी, क्या था क्या नहीं था। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा एक्टर सीरीज। अब मेंस रिया पे आते हैं कि मेंस रिया क्रिमिनल डैमेज का क्या है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इंटेंशन जो है वो डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी करने की लाजमी है, डैमेज करने की लाजमी है, इंटेंशन या रेकलेसनेस जो कि लोअर लेवल ऑफ इंटेंशन में आता है, ठीक हो गया। और रेकलेसनेस का जो पॉइंट है वो वही कनिंगहैम वाला ही है जो हमने
पढ़ा था पहले भी थेफ्ट में, एक्टोसीरियस में और मेंसरिया में। अच्छा, मेंसरिया ऑफ क्रिमिनल डैमेज में जो पॉइंट्स आते हैं वो सेक्शन 1 क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 जो है वो ये कहता है कि अ सर्कमस्टांस वेयर ही इज अवेयर ऑफ द रिस्क दैट इट एग्जिस्ट और विल एग्जिस्ट, कि अगर आप रेकलेस हो रहे हैं तो आपको ये पता था कि बीइंग रेकलेस ये काम कोई हो सकता है, कोई क्रिमिनल कोई डैमेज योर प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। दूसरी बात, रिजल्ट वेयर ही इज अवेयर ऑफ द रिस्क दैट इट विल, क्योंकि आप अवेयर थे कि ये अकर होगा और आपने फिर भी वो हरकत कर दी, और इन द सर्कमस्टांसिस नोन टू हिम अनरीजनेबल टू टेक द रिस्क, कि वो जो रिस्क लिया आपने वो अनरीजनेबल था, हर सर्कमस्टांसिस के थ्रू वो अनरीजनेबल रिस्क था और आपने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो वो क्रिमिनल डैमेज में आता है। अब आता है आर्सन। आर्सन जो है वो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 है। आर्सन का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी चीज़ को आग लगा देना, तो अगर आप किसी चीज़ को आग लगा देते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा देते हैं, तो आप आर्सन कमिट करते हैं। आर वर्सेस डेंटन में ये जो है बात हुई थी। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ इस पॉइंट से, अगले पॉइंट में जाने से पहले, कि आर वर्सेस डेंटन में जो है वो बंदा जो है वो आर्सन का गिल्टी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी फैक्ट्री के मालिक ने अपने एम्प्लॉई को बोला था कि तुम फैक्ट्री को आग लगा दो तो हमें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो उसने उसकी बात मान के आग लगा दी। तो सिंस उसके पास ओनर की कंसेंट थी तो वो फ्रॉड में तो आ सकता है, ही कैन बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, बट उसके ऊपर आर्सन नहीं लगेगा, क्रिमिनल डैमेज नहीं लगेगी, सारी बात है। क्योंकि अगर एक ओनर ही आपको कह रहा है कि मेरी चीज़ को आप तोड़ दें तो उस पर क्रिमिनल डैमेज कैसे लग सकता है, उसकी कंसेंट आपके पास है। एग्रेवेटेड क्रिमिनल डैमेज क्या है? एग्रेवेटेड क्रिमिनल डैमेज जो है वो सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 जो है क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 का उसमें आती है। वो ये है कि अ पर्सन, मैं कोर्ट पढ़ रहा हूँ जो सेम टू सेम एक्ट वो पढ़ रहा हूँ, कि अ पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस एनी प्रॉपर्टी वेदर बिलोंगिंग टू हिमसेल्फ और अनदर, ठीक है, सब सेक्शन ए कहता है, इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज एनी प्रॉपर्टी और बीइंग रेकलेस एज टू वेदर एनी प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज एंड इंटेंडिंग बाय द डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू एंडेंजर द लाइफ ऑफ अनदर और बीइंग रेकलेस एज टू वेदर द लाइफ ऑफ अनदर वुड बी thereby endangered shall be guilty of an offense। simply अगर मैं आपको बात बताऊं तो अगर आप इस तरीके से क्रिमिनल डैमेज करते हैं कि उससे किसी की जान खतरे में पड़ जाए तो आप aggravated क्रिमिनल डैमेज आप पे लगेगा और इसकी सज़ा भी ज़्यादा है और ये ज़्यादा ही सीरियस ऑफेंस है नॉर्मल बेसिक क्रिमिनल डैमेज से। आर वर्सेस स्टीयर का केस है, आर वर्सेस वाविक का केस है, ये केसेस जो हैं आप गूगल भी कर सकते हैं, आप इनको स्टडी भी कर सकते हैं। आर वर्सेस स्टीयर में ये हुआ था कि एक डिफेंडेंट ने 3 गोलियाँ मारी थी एक बंदे के घर की दीवार पर, लेकिन उसके ऊपर aggravated जो है क्रिमिनल डैमेज वो नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि दीवार में 3 गोलियां मारने से किसी की जान खतरे में नहीं जाती और सारी बात है कि गोलियां दीवार को नहीं आर पार कर सकती। लेकिन आर वर्सेस वाविक में जो है वो बंदा एक बंदा एक गाड़ी के अंदर था, दूसरा बंदा उस गाड़ी को, एक बंदे ने पहले एक पुलिस कार के अंदर अपनी गाड़ी को ही रैम्ड द पुलिस कार, उसने गाड़ी को मारा उस गाड़ी में, उसके बाद उसके उनके ऊपर ईंटें वगैरह फेंकने लग गया, शीशा टूट गया पुलिस वाली गाड़ी का, तो उसके ऊपर एग्रेवेटेड क्रिमिनल डैमेज लगा था उस गाड़ी की वजह से, क्योंकि उससे उन पुलिस वालों की जान को खतरा हो गया था। ठीक हो गया। अच्छा, सेक्शन 2 जो है क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 का वो दो ऑफेंसेस को बनाता है सेपरेटली। ठीक हो गया। एक तो ये ऑफेंस है कि अ पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज मेक्स टू अनदर अ थ्रेट इंटेंडिंग दैट द अदर वुड फियर इट वुड बी कैरीड आउट। अगर आप इवन उसको फियर में डाल देते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं ये चीज़ तोड़ दूंगा या ख़राब कर दूंगा या तो इस चीज़ को आग लगा दूंगा, तो ये एक ये ऑफेंस है। और जो बी में है वो ये कहता है, जो सबसेक्शन बी है वो कहता है कि टू डिस्ट्रॉय और डैमेज हिज ओन प्रॉपर्टी इन अ वे विच ही नोज इज लाइकली टू एंडेंजर द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन और थर्ड पर्सन, कि अगर अपनी प्रॉपर्टी आप तोड़ रहे हैं लेकिन आप इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि दूसरा बंदा इस कदर डर गया है कि उसको लग रहा है कि मेरी जान चली जाएगी, शायद वो कोई डेंजरस चीज़ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इसका एक्टसरियस जो है वो डिफरेंट है थ्रेट टू डिस्ट्रॉय और डैमेज प्रॉपर्टी के थ्रेट करने का जो एक्टसरियस, ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होगा क्योंकि वो थ्रेट है और जो पहले एक्टसरियस पड़ा था वो फिजिकली आप क्रिमिनल डैमेज कर रहे थे।
तो इस कैक्टस थ्री ऐसे कि द डिफेंडेंट मेक्स एन अनलॉफुल थ्रेट टू डिस्ट्रॉय डैमेज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर और मेक्स अ थ्रेट और डैमेज देयर ओन और यूजर्स प्रॉपर्टी इन विच यू नो इन अ वे विच दे नो इज लाइकली टू एंडेंजर द लाइफ. ठीक है, और इसका मेंजरिया जो है वो ये है कि एक आपके पास आपके अंदर इंटेंशन है कि आपने दूसरे बंदे को थ्रेट में और फियर में डालना है. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसका सेक्शन थ्री जो है 1971 क्रिमिनल डैमेज एक्ट का, वो भी दो ऑफेंसेस क्रिएट करता है कि अगर आपकी कस्टडी में आपकी कंट्रोल में कोई भी विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है तो यू कमिट एन ऑफेंस. ठीक हो गया. और दूसरा जो है बी सब सेक्शन ये कहता है कि डिस्ट्रॉय और डैमेज हिज ओन और यूज हिज प्रॉपर्टी इन अ वे विच ही नोज इज लाइकली टू एंडेंजर द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन. और थ्री ए कहता है कि जो है डैमेज प्रॉपर्टी ही होगी तो ये ऑफेंस लगेगा. और थ्री बी कहता है कि फिर द ऑफेंस इज एग्रेवेटेड फॉर्म अप्लाइज टू डिफेंडेंट्स ओन प्रॉपर्टी एज वेल. कि थ्री कहता है, मतलब इन नॉर्मल वर्ड्स इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो थ्री ए कहता है कि अगर वो नॉर्मल क्रिमिनल डैमेज है तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए विच इज़ बिलोंगिंग टू अन अदर पर्सन. लेकिन अगर वो एग्रेवेटेड क्रिमिनल डैमेज है जिसके अंदर किसी की जान को ख़तरा भी डाल रहे हैं आप, तो वो प्रॉपर्टी इवन आपकी अपनी भी हो अगर तो भी आप पे क्रिमिनल डैमेज लगता है. अच्छा, अब पोजेशन के अंदर आर वर्सेस हिल का भी केस है कि जहाँ पे फेंस काटने के लिए एक हैक्सॉ ब्लेड यूज़ किया गया था, अलाउ कर दिया गया था प्रोटेस्टर्स को अंदर जाने के लिए. उसने हैक्सॉ एक होता है वो कार फेंस को काट देता है, बड़ा सारा कटर होता है, तो उसने वो काट के फेंस को कहा प्रोटेस्टर्स को कहा कि घुस जाओ अंदर, तो उसके ऊपर भी क्रिमिनल डैमेज लगी थी. उसको भी उस टूल को भी जो है वो ये कहा गया था कि इट इज़ अ टूल विच कैन बी यूज टू डैमेज द प्रॉपर्टी. ठीक हो गया. अच्छा, अब सेंटेंसिंग पे आ जाते हैं. इसकी जो सेंटेंसिंग है वो उसकी गाइडलाइंस हैं केस टू केस. ठीक हो गया, वेरी करती हैं. अगर तो जो फुल इम्पैक्ट है क्रिमिनल डैमेज का, जहाँ आर्सन हो जो कि नेशनल हेरिटेजेस हैं, जहाँ नेशनल बहुत बड़ी बड़ी पुरानी इमारात हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या यूनिक ऑब्जेक्ट्स, अगर आप उनको आग लगाते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं तो सारी बात है आपको सज़ा ज़्यादा होती है. ठीक हो गया. अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हो जिसका जो है इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है तो उसकी सज़ा भी ज़्यादा होती है. तो ये मतलब इन शॉर्ट के ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी चीज़, कोई भी डैमेज के तरीका या डैमेज की सिचुएशन बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है. उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने बबल में बंद नहीं किया उसको, डैमेज को उन्होंने छोड़ दिया उसको खुला के भाई जब कोई डैमेज करेगा तो देखेंगे उसने किस किस्म की डैमेज की है, उसका इम्पैक्ट क्या था, वो कोई एग्रेवेटेड थी या वो सिंपल बेसिक क्रिमिनल डैमेज थी, तो इस हिसाब से कोई उसके पास चीज़ थी, वेपन था या कोई क्या उसने दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी डैमेज करते हुए उसको लाइफ थ्रेट में भी डाला किसी को कि नहीं डाला, तो ये सारा कुछ देखने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि इस बंदे को किस तरह की सेंटेंस देनी है. इसके साथ ही हमारा ये छोटा सा टॉपिक क्रिमिनल डैमेज भी खत्म हो जाता है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.